खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। काफी लंबे अरसे के बाद रेल हादसे में उजड़े परिवारों को मिली नौकरियां, कुल 34 परिवारों को दी गई नौकरियां। आज अमृतसर में रेल हादसे में उजड़े हुए परिवारों को अमृतसर के कमिश्नर दफ्तर में बुलाकर उनको सरकारी नौकरियां दी गईं। बात करते हुए दीपक कुमार द्वारा कहा गया कि पिछले 3 सालों से वह नौकरियों के लिए सरकार से अपील कर रहे थे और उनके द्वारा कई धरने भी लगाए गए और आखिरकार उनकी सुनवाई हुई। और सिविल सर्जन में 4 कॉरपोरेशन में 10 डिप्टी कमिश्नर, दफ्तर में 9 और बाकी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में उनको नौकरियां दी गई हैं। दीपक कुमार द्वारा कहा गया कि वो इस संबंध में कैप्टन अमरिंदर सिंह को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने देर से ही सही लेकिन इन परिवारों की मदद की और उन्हें नौकरियाँ दी। सामने देखिए, हाँ जी, अपना नाम था आरती शर्मा। आज जो तुसी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आए, ये की कारण है? मैंने बुलाया गया था जॉब के रिगार्डिंग कि जॉब वगैरह मिल जाएगी। जो रेल हादसा वाले दिन जो रेल ट्रेजेडी हुई थी, दैट यू नो वेरी वेरी वेल, दैट इसलिए है। किसकी डेथ हुई आपके? ब्रदर साहब। आपको किस जगह मिली है? डीसी ऑफिस में क्लर्क की बोला गया कि क्लर्क की मिली है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो ठीक है, मीनिंग सेटिस्फाइड हूँ मैं कि चलो थैंक गॉड कि मिल गई है। मेरा नाम दीपक कुमार है। हाँ जी, आज तुसी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आए, की कारण है, कहदी गल होई? जिदा तुहानू पता है कि 2018 दे विच दशहरे वेले दिन एक रेल हादसा होया सी, उहदे विच फिर सानू परिवारां नू जिहड़े सरकार वल्लों वादे कीते गए सी उहदे विच सीगा कि भई आपां सारे परिवार नू इक नौकरी देवांगे। तो तुहानू पता होगा कि पिछले 3 सालां तों संघर्ष करदे आ रहे, कई सड़कां तों कंधे हुंदे सी, ठीक है, दिन मतलब कि दोपहर भी आपां धरने लाए ने, बारिशां चों धरने लगाए ने, फिर लास्ट सी दिसंबर दे महीने आपां धरना लगाया सी जिहड़ा साडा 12 दिन चलिया सीगा दिन रात दा। उस तो बाद सरकार ने सानू आश्वासन दिता सी नौकरी का कि असी मतलब हर परिवार के एक मैंबर नू नौकरियां देवांगे। सो वो धरने तो बाद 1 साल बाद सरकार दी अखां खुल्लियां ने, तो सरकार ने जिहड़ा है कि साढ़े 34 परिवारों नू एक एक नौकरी सारे दी है। किनू किनू किस किस डिपार्टमेंट दे विच नौकरी मिली है, किन्ने किन्ने बंदे नू मिली है, दस्सो। देखो ये टोटल जिहड़े ने 34 परिवारों नू नौकरी मिली सी, जिहदे विच कि जिहड़े अपने सिविल सर्जन दे विच जिहड़े 4 बंदे, कारपोरेशन के उन्होंने 10 बंद नौकरी मिली है, उस तो बाद जो डिप्टी कमिश्नर है ये 9 बंद नौकरी मिली है, तो इस तो अलावा जो है एक है वो जो अपना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के उन्होंने नौकरी दी योग्यता दी गई है। हाँ जी, ये जो 34 परिवारों के जो 2 फैमिलियां ने उन्होंने मतलब सी ग्रुप की नौकरी दी गई है, तो बाकियों डी ग्रुप की नौकरी दी है योग्यता के मुकाबले। जी नौकरियां मिली सिद्धू साहब का कोई रोल नहीं? नहीं, सिद्धू साहब का तो फिलहाल तो आप कुछ कहेंगे नहीं, ये जो है कि अं सीएम कैप्टन साहब का बहुत धन्यवाद करा कि जिन्होंने साड़ी गल सुनी है, तो इन्नी जल्दी चलो 3 साल जरूर लग गए हैं लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने साडा काम बहुत फास्ट किया, तो ये आप अमरिंदर सिंह कैप्टन जोड़े ने साडे सीएम उन्होंने आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये नौकरियां पक्कियां वा कि कच्चियां है जो क्लीयर कर? नहीं, ये देखो कच्चियां नौकरियां तो इन्होंने सानू साल पहले भी कहा कि आप मतलब प्राइवेट रख लें लेकिन आप मना करता ही, फिलहाल जी ए नौकरियां ने यह पक्कियां नौकरियां ने सरकारी। उधर एक सामने। हाँ जी सर, अपना नाम दस दिए। नाम गगनदीप। कि जगह तो है सर? जिला तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला, बी पी ओ भुला राय फगवाड़ा। अज इतने किस जगह पर की कारण इतने? सर मैं इस 3 साल हो गए सन संघर्ष करद, ठीक है, चलो पंजाब सरकार ने साड़ी सुनी है, पर देर बाद सुनी है, चलो जो भी है दस दौ। सर मेरी वाइफ की डेथ हुई सी, तो 1.5 साल की बेटी से नामनूर वो डेथ हुई सी। अज तुम नौकरी मिलती भी किस तरह का लगता है? सर नौकरी मिल रही है, बढ़िया लग रहा है, पर जोड़े परिवार चल रहे वापस नहीं मिल रहे ना, दुख तो होंगे ही। ठीक,